चलिए, पिछले वीडियो में आप सभी के इतिहास में 3 लेसन तक कंप्लीट किया था। अब मैं आपको भूगोल से, भूगोल जो है हम लोगों का बर्दस का, इसमें मैं आपको 3 लेसन तक कंप्लीट करूंगा, 3 पार्ट तक कंप्लीट। पहला पार्ट है हम लोगों का भारत संसाधन उपयोग। तो भूगोल क्या है? जो भूमि हो रही है, जो भूमि के बारे में अध्ययन किया, तो उसको क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है बाबू? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे बाबू? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है। कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण बाबू प्राकृतिक गैस को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विध्वंस से है। किससे बाबू? संसाधन के विध्वंस से। अगला क्वेश्चन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन फिर समझिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन, कौन अजैव संसाधन का उदाहरण नहीं है? यानी कि वनस्पति जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव अजैव संसाधन का उदाहरण कौन है बाबू? तो वनस्पति। किसका कथन है, किसने कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था बाबू? जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन ने। नौवां क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्रीय सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो बाबू 200 नैनोमीटर क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय क्षेत्र निहित होता है? तो 12.2 किलोमीटर। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। अब लाइट नहीं है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण बताइए। तो बाबू प्राकृतिक गैस जो होता है नवीकरणीय संसाधन होता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विध्वंस से है। अगला क्वेश्चन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन, कौन अजैव संसाधन नहीं है? वनस्पति जो है बाबू अजैव संसाधन नहीं है, जैव संसाधन है। किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन का है। कौन कहा था? जिमरमैन ने कहा था। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्रीय सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो बाबू 200 नैनोमीटर, 200 nm। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राजनीतिक संपदा निहित होता है बाबू? 12.2 किलोमीटर, मात्र 12.2 किलोमीटर। ठीक है, इस बस 10 क्वेश्चन ही रहने दे रहे। नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, समझ में आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।